जैसा कि आपने बताया था कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम पर काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, क्या आप हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तफसील से बता सकती हैं? बिल्कुल रोहन, चलो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तफसील से बात करते हैं। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के दूसरे प्रोग्रामों से आपसी रिश्ता कायम करने में हमारी मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर बेकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमालकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक बिचौलिए का काम करता है। सभी प्रोग्रामों को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही चालू होता है। कंप्यूटर को शुरू करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद शुरू हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के खास काम हैं, ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और इसके सभी हिस्सों को माकूल राब्ते में लाता है। ये इस्तेमालकर्ता और कंप्यूटर के बीच रिवायती रिश्ते को आसान बनाता है। ये सभी इनपुट और आउटपुट को काबू में रखता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की अमलावरी पर काबू रखता है। ये कंप्यूटर की खास मेमोरी के इस्तेमाल को मुनज्जम करता है। ये फाइलों को मुनज्जम करने और इनसे काम लेने में आपकी मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, पहला कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक एक कर हम इनके बारे में बात करते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI में किसी तरह के आइकन या तस्वीर नहीं होती हैं। ये सिर्फ मतन और हरूफ पर चलता है। हम CUI पर खित्ते हिदायत जैसे रीनेम, CLS, CD, MD और DDIR या डायरेक्टरी पर कमांड देकर काम कर सकते हैं। CUI की एक मिसाल है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI के पस मंजर वाली तस्वीर होती है और साथ साथ बहुत सारे आइकन भी होते हैं। GUI की मिसाल हैं विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज 7 और उबंटू। GUI को दोबारा दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, मालिकाना सॉफ्टवेयर और आजाद सॉफ्टवेयर। मालिकाना सॉफ्टवेयर एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसकी इजाजत कॉपीराइट वाले शख्स के पास मखसूस कानूनी हक के तहत होती है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए इजाजत की जरूरत होती है जो उसको फीस अदा करने के बाद ही हासिल होती है। इनका इस्तेमाल कानूनी इजाजत के बाद ही किया जा सकता है। इस्तेमालकर्ता इनको ना तो बदल कर सकता है और ना साझा, ना ही पढ़ सकता है और ना ही दोबारा तकसीम कर सकता है। मालिकाना सॉफ्टवेयर की आम मिसालें हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, INC, IBM, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिसिस। ये वो सॉफ्टवेयर है जिनको इस्तेमालकर्ता इंटरनेट से बगैर किसी फीस के डाउनलोड कर सकता है। ये एक खुले लाइसेंस जराए के तहत दस्तयाब होते हैं जो इस्तेमालकर्ता को सॉफ्टवेयर बदलाव करने, साझा करने और दोबारा तकसीम करने की इजाजत देता है। हालांकि बदलाव करने के लिए कॉपीराइट हुकूक नहीं दिए गए होते हैं, आजाद सॉफ्टवेयर की आम मिसाल है लिनक्स, यूनिक्स, ऑरोरा UX और ओपन सोलरिस। हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में जानना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे हाँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में बहुत सुना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के जरिए तौसी शुदा और फरोख्त शुदा ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की कड़ी है। ज्यादातर जिन कंप्यूटरों का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीलोडेड होता है। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।
GUI इंटरफेस प्रोग्राम इस्तेमाल करने और उनको मुनज्जम करने में आपकी मदद करता है। विंडोज इस किस्म के इंटरफेस होते हैं, जिसका मतलब है कि जो आप देखते हैं वही आप हासिल करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो कंप्यूटर शुरू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। आप विंडोज डेस्कटॉप का इस्तेमाल सभी प्रोग्राम चलाने और मुनज्जम करने में कर सकते हैं। डेस्कटॉप दो हिस्सों में तकसीम होता है, खास हिस्सा या विंडोज डेस्कटॉप और टास्क बार। नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, जिसके जरिए हम कंप्यूटर के दूसरे प्रोग्रामों तक पहुंच सकते हैं। टास्क बार के पस मंजर को वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर शुरू करने पर सबसे पहले नजर आने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप पर नजर आने वाले छोटे छोटे फोटो आइकन कहलाते हैं। ये आइकन फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर के शॉर्टकट हैं, जिनके जरिए इनमें आसानी और जल्दी से पहुंचा जा सकता है। स्क्रीन के सबसे नीचे उफ़की के मुतवाजी पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार एक तरफ स्टार्ट बटन और दूसरी तरफ कई छोटे छोटे आइकन और शॉर्टकट होते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लीकेशन और प्रोग्राम टास्क बार पर आइकन की शक्ल में नजर आते हैं। एप्लीकेशन और प्रोग्राम इन्हीं आइकन के जरिए एक्सेस यानी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टास्क बार कंप्यूटर पर चलने वाली बहुत सी प्रोग्रामों के दरमियान स्विच करने का एक आसान तरीका फराहम कराते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन या प्रोग्राम चल रहे हों और टास्क बार पर सभी आइकनों के लिए जगह कम हो, तो एक तरह के आइकन एक ग्रुप में आ जाते हैं। स्टार्ट बटन के जरिए आप दूसरे प्रोग्राम और सिस्टम की दूसरी इफादियत का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में मौजूद कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल कंप्यूटर में मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू की हेल्प और सपोर्ट मेन्यू का इस्तेमाल विंडोज पर काम के दौरान जरूरत पड़ने पर मदद हासिल करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू की मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, लॉग ऑफ या दोबारा शुरू कर सकते हैं। ज़ेली अमल से आप अपने सिस्टम की तारीख और वक्त को बदल सकते हैं। पहले टास्क बार पर दाईं तरफ नजर आ रहे तारीख और वक्त पर क्लिक करें, तब एक घड़ी और कैलेंडर जाहिर होगा। टास्क बार पर तारीख और वक्त पर क्लिक करें, तब वक्त और तारीख की सेटिंग लिंक पर क्लिक करें, तब वक्त और तारीख सेट करें, उसके बाद वक्त और तारीख बदल बटन पर क्लिक करें। समय व तारीख परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय व तारीख डायलॉग कोष्ठ पर वापस आएं। चेंज को सेव करने के लिए हाँ पर क्लिक करें, वक्त और तारीख डायलॉग बॉक्स को बंद। डेस्कटॉप स्क्रीन का वो हिस्सा है जिसे आप कंप्यूटर लॉग ऑन करने पर देखते हैं। आइकनों के पीछे नजर आने वाली तस्वीर को वॉलपेपर या डेस्कटॉप का पस मंजर कहते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को कुछ वक्त के लिए खाली छोड़ देते हैं, तो एक तस्वीर या टेक्स्ट जाहिर होती है, इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर या डेस्कटॉप का पस मंजर आइकनों को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकते हैं। पहला, डेस्कटॉप के खाली मकाम पर माउस का दायां बटन दबाएं। उसके बाद फहरिस्त के इन्फरादी मुतबादिल यानी पर्सनलाइज पर क्लिक करें। उसके बाद डेस्कटॉप के पस मंजर लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद तस्वीर का इंतखाब करें और उसे डेस्कटॉप के पस मंजर को सेट करें। आखिर में सेव बटन दबाकर
बदलाव को सेव करें। अगर आप डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर को बदलना चाहते हैं तो ये अमल अपनाएं। पहला, डेस्कटॉप के खाली मकाम पर माउस का दायां बटन दबाएं। उसके बाद फहरिस्त के इन्फरादी यानी पर्सनलाइज पर क्लिक करें। डेस्कटॉप के स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें। तब स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर फहरिस्त से स्क्रीन सेवर का इंतखाब करें। स्क्रीन सेवर शुरू करने के लिए वेट कॉम्बो बॉक्स से इंतजार वक्त के मिनट तय करें। आखिर में सेव या ओके बटन दबाकर बदलाव को महफूज करें। अब रोहन, ये याद रखें कि एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और इन्फरादी प्रोग्रामों के लिए दस्तयाब किसी इत्तला को फाइल कहते हैं। एक फाइल एक दस्तावेज, तस्वीर, मौसीकी या फिल्म हो सकती है। बहुत सी फाइलों को एक मकाम पर रखने के लिए आप एक फोल्डर बनाते हैं। आप कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में फाइल या फोल्डर बना सकते हैं। फाइल या फोल्डर बनाने के बाद आप उसका नाम बदल सकते हैं, उसके कॉपी बना सकते हैं, उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं और उसे हस्बे जरूरत मिटा भी सकते हैं। हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? आसान है, बस ज़ेली अमल को अपनाओ। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडो एक्सप्लोरर को जाहिर करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ड्राइव में दस्तयाब अशिया देखने के लिए डी ड्राइव पर क्लिक करें। नया फोल्डर बनाने के लिए मेन्यू बार में नए फोल्डर पर क्लिक करें। नए फोल्डर को नाम दे सकते हैं और एंटर दबाएं। आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं जिसे सब फोल्डर कहते हैं। एक फोल्डर का इंतखाब करें और उसे खोलें। उसमें खाली मकाम पर राइट क्लिक करें तो पॉप अप मेन्यू जाहिर होगा। उसमें सबसे पहले न्यू पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुनें। एक फोल्डर बन जाएगा। फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए ज़ेली अमल को अपनाएं। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडो एक्सप्लोरर जाहिर करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ड्राइव में दस्तयाब अशिया देखने के लिए डी ड्राइव पर क्लिक करें। तब जिस फोल्डर को आप खोलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। उसे फोल्डर के अंदर जिस सब फोल्डर या फाइल को आप खोलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। जब आप डी ड्राइव में फोल्डर, सब फोल्डर या फाइल बनाते हैं तो खुद ब खुद न्यू फोल्डर या न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से महफूज हो जाता है। फोल्डर या वेब फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए उस पर राइट क्लिक करें। नए पॉपअप में नाम बदलें यानी रीनेम चुनें। नया नाम लिखें और एंटर दबाएं। फोल्डर या सब फोल्डर या फाइल का नाम बदल जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मुआविन अशिया होती हैं जो बहुत मुफीद होती हैं। हम इन मुफीद अशिया में से कुछ के बारे में सीखते हैं। इन मुफीद अशिया को देखने के लिए ज़ेली हिदायत पर अमल करें। पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। उसके बाद माउस को ऑल प्रोग्राम पर ले जाएं। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों की फहरिस्त होती है। अब जो आप चाहते हैं उस एक्सेसरीज पर क्लिक करें। पेंट का इस्तेमाल तस्वीर बनाने, बदलने और फोटो देखने के लिए होता है। आप पेंट का इस्तेमाल खाली पेंट की जगह में पेंटिंग करने या मौजूदा तस्वीर में पेंटिंग करने में कर सकते हैं। आप तस्वीर की कॉपी लेकर किसी दूसरे दस्तावेज पर चिपका या पेस्ट कर सकते हैं।
हम पेंट का इस्तेमाल किस तरह करें? पेंट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन को दबाकर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। उसके बाद माउस से ऑल प्रोग्राम पर चलें। उसके बाद एक्सेसरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों की फहरिस्त होती है। एक्सेसरीज पर क्लिक करें और पेंट का इंतखाब करें। आप देखेंगे कि पेंट विंडो को चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। पेंट बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, ड्राइंग एरिया और रिबन। पेंट बटन के साथ आप कई तरह के काम कर सकते हैं। पेंट बटन के मुख्तलिफ मुतबादिल हैं, खोलें, ओपन, नया, न्यू, महफूज और छापें। क्लिक एक्सेस टूल बार अक्सर इस्तेमाल में लाए जाने वाले टूल्स जैसे सेव, रीडू और अंडू फौरन दस्तयाब कराने में आपकी मदद करता है। रिबन में दो टैब्स होते हैं, होम और व्यू। होम टैब उन टूल्स को दस्तयाब कराता है जो तस्वीर बनाने या उसे सुधारने में इस्तेमाल होते हैं। ये क्लिपबोर्ड, इमेज, ब्रश, टूल्स, शेप्स एंड कलर्स वगैरह होते हैं। क्लिपबोर्ड में तीन मुतबादिल होते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। जिन मुतबादिल का इस्तेमाल कर आप पेंट पर चुनी गई चीज को काट सकते हैं, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं या चिपका सकते हैं। ये मुतबादिल एक ही मौजू को कई बार इस्तेमाल करने में आपकी मदद करता है। जिनको आप करना चाहते हैं, जैसे सिलेक्ट, क्रॉप, रीसाइज, रोटेट। टूल का इंतखाब आपको मुख्तलिफ टूल्स मुहैया कराता है जिससे आप तस्वीर बना और एडिट कर सकते हैं। ये टूल्स हैं पेंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बड़ा करना। ब्रश में नीचे की तरफ खुलने वाला एक मेन्यू होता है जिससे आप तस्वीर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के ब्रशों का इंतखाब कर सकते हैं। शेप मुतबादिल से आप अपनी तस्वीर को मुख्तलिफ शक्लें दे सकते हैं। रंग मुतबादिल से आप अपनी तस्वीर में मुख्तलिफ रंग भर सकते हैं। दीदी दीदी, आपने ये भी कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के खिलाफ यहाँ मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम भी दस्तयाब है, क्या आप इसके बारे में मजीद जानती हैं? हाँ रोहन, लिनक्स एक बहुत मशहूर मुफ्त या आजाद मुस्तिर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। चलो हम इस पर नजर डालते हैं। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही मकबूल वर्जन है जिसकी लिनक्स टोरवाल्ड्स के जरिए तौसी की गई है। लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है। लिनक्स की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ही मुतहर्रिक है। इस्तेमालकर्ता इस सॉफ्टवेयर की तौसी करने, तरमीम करने या फरोख देने के लिए आजाद हैं। लिनक्स को दो अलग मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किया जा सकता है, मुफ्त डाउनलोड और तकसीम का इस्तेमाल कर। लिनक्स सारी दुनिया में करोड़ों इस्तेमाल करदा कामयाबी के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लिनक्स के सभी हिस्सों को इंटरनेट से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्तलिफ कंपनियां तकसीम को इस्तेमाल करने का एक मुतबादिल फराहम कराती हैं, जिसमें बहुत सी एप्लीकेशन और प्रोग्राम की तंसीब शामिल हैं, जो लिनक्स की तंसीब को आसान कर देते हैं। एक बहुत मकबूल लिनक्स एप्लीकेशन अबंटू है, जो कैनोनिकल कंपनी के जरिए फराहम किया जाता है। अब हमें अबंटू के बारे में सीखना चाहिए। अबंटू एक आजाद और मुफ्त सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के जरिए हर जगह चलाया जाता है। अबंटू में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता है जो इसे
विंडो या एंड्रॉइड जैसे दूसरे मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बनाता है। अबंटू का वर्जन डिफॉल्ट डेस्कटॉप माहौल की शक्ल में यूनिटी का इस्तेमाल करता है। यूनिटी डेस्कटॉप पृष्ठभूमि और दो बार रखता है, जिसे मेन्यू बार और लॉन्चर कहते हैं। मेन्यू बार डेस्कटॉप के सबसे ऊपर वाक़े उफ़की पट्टी है। लॉन्चर एक खड़ी पट्टी है जो मेन्यू बार के बाएं तरफ होती है। मेन्यू बार में आम तरह के काम शामिल होते हैं जो अबंटू 12.10 में इस्तेमाल होते हैं। जो आइकन्स मेन्यू बार के दाहिनी तरफ होते हैं उसे इंडिकेटर एरिया कहते हैं। कीबोर्ड इंडिकेटर आपके कीबोर्ड आउट का इंतखाब करने और कीबोर्ड की अव्वलियात में तरमीम करने की इजाज़त देता है। मैसेज इंडिकेटर में सभी सोशल एप्लीकेशन को शामिल किया जाता है जो इंस्टेंट मैसेंजर क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशंस और इन जैसी कई एप्लीकेशंस को शामिल रखता है। नेटवर्क इंडिकेटर आपको वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क को आसानी से जोड़ने और नेटवर्क कनेक्शन को मुनज्जम करने की इजाज़त देता है। साउंड इंडिकेटर आवाज़ की मिकदार को आसानी से सेट करने का तरीका है, चाहे ये सेटिंग आपके म्यूजिक प्लेयर में हो या आम साउंड सेटिंग हो। घड़ी सही वक्त बताती है और कैलेंडर वक्त और तारीख में तरमीम करने का आसान तरीका भी फराहम कराती है। यूजर मेन्यू आपको अलग अलग इस्तेमाल करदाओं और ऑनलाइन अशिया और इस्तेमाल करदा के खातों को दरमियान बदलाव करने की इजाज़त देता है। एक सेशन इंडिकेटर सिस्टम सेटिंग्स का इस्तेमाल करने, सॉफ्टवेयर अपडेट करने, प्रिंटर डिवाइस को लॉक करने के तय्युन सेशन मुतबादिल फराहम करने के लिए कंप्यूटर को दोबारा शुरू करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए आसान रास्ता मुहैया कराता है। एप्लीकेशन मेन्यू एक ऐसा सिस्टम है जहां हम मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकते हैं, जैसे एडिट, व्यू वगैरह। दूसरे GIU माहौल खिलाफ यूटिलिटी में दरख्वास्त मेन्यू मेन्यू बार के बाईं तरफ होता है। एक खास दरख्वास्त को देखने के लिए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करके डेस्कटॉप के मेन्यू बार पर दरख्वास्त आइकन के लिए माउस को हटा सकते हैं। ये डेस्कटॉप के मेन्यू बार में खुद को ऊपर रखकर एप्लीकेशन को फाल करेगा, इसलिए इस एप्लीकेशन को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही माउस को मेन्यू बार से दूर ले जाया जाता है, डेस्कटॉप दोबारा से जाहिर होता है। यूनिटी का फीचर एप्लीकेशन मेन्यू को तभी जाहिर करता है जब नेटबुक और लैपटॉप इस्तेमालकर्ताओं को इसकी जरूरत होती है, क्योंकि ये इसे ज्यादा वर्क स्पेस फराहम कराता है। उमोरी पट्टी के आइकन जो स्क्रीन के बाईं तरफ होते हैं लॉन्चर कहलाते हैं। जब ये लॉन्चर चलाया जाता है तो ये फाल आइकन्स की एप्लीकेशन तक रसाई को आसान बनाता है। लॉन्चर में सबसे ऊपर पहला आइकन डैश कहलाता है, जो यूनिटी का कोर एलिमेंट और इनोवेशन की है। एक एप्लीकेशन को लॉन्चर से रन करने अथवा पहले से रन हो रही एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। फोरग्राउंड में एप्लीकेशन अपने आइकन के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोण के द्वारा संकेतिक किया जाता है। एक एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए लॉन्चर के एप्लीकेशन आइकन पर दाएं क्लिक करके और लॉन्चर के लॉक का इंतखाब करके एप्लीकेशन को रन कराएं। लॉन्चर से एक एप्लीकेशन को हटाने के लिए पहले एप्लीकेशन आइकन पर दाहिने क्लिक करें और फिर अनलॉक से लॉन्चर का इंतखाब करें। डैश एक औजार है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर एप्लीकेशन और फाइलों के बारे में जल्द पता कर सकते हैं। डैश के बारे में पता लगाने के लिए लॉन्चर के सबसे ऊपर वाले आइकन जिस पर अबंटू का निशान बना हो उस पर क्लिक करें। डैश आइकन का इंतखाब करने पर एक और विंडो खुलती है
जिसमें सबसे ऊपर सर्च बार के साथ ही हाल में इस्तेमाल किए गए एप्लीकेशन, फाइल और डाउनलोड का भी कलेक्शन होगा। डैश आपको लोकल और रिमोट लेवल पर इत्तला तलाश करने की इजाज़त देता है। डैश की दो खास खसूसियात हैं, फाइलों और फोल्डर को तलाश करना और एप्लीकेशन को तलाश करना। वर्कस्पेस आपको एप्लीकेशन को एक ग्रुप में जोड़ने की इजाज़त देता है, जो बेतरतीबी को कम करता है और डेस्कटॉप नेविगेशन में सुधार लाता है। बुनियादी तौर से अबंटू में चार वर्कस्पेस होते हैं। एक वर्कस्पेस से दूसरे वर्कस्पेस पर जाने के लिए लॉन्चर या वर्कस्पेस स्विचर पर क्लिक करें। ये एप्लीकेशन आपको एक वर्कस्पेस से दूसरे वर्कस्पेस पर जाने के लिए इजाजत देता है। क्लोजिंग, मैक्सिमाइजिंग और रीस्टोरिंग विंडोज। मिनिमाइज बटन विंडोज को हाल में दिखाई देने वाली स्क्रीन से हटाकर उसे लॉन्चर में रख देता है। मैक्सिमाइज बटन एप्लीकेशन को विंडोज की पूरी स्क्रीन पर फैला देता है। विंडोज को बंद करने के लिए विंडो को ऊपर बाएं कोने पर दिए गए क्रॉस बटन पर क्लिक करें। विंडो को वर्कस्पेस पर इधर उधर ले जाने और हटाने के लिए माउस के पॉइंटर को विंडो को टाइटल बार पर ले जाएं और माउस के बाएं बटन से क्लिक करें और बाएं बटन को दबाते हुए विंडो को खींचें। विंडो का साइज बदलने के लिए माउस पॉइंटर को विंडो के सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें कि माउस पॉइंटर दो तरफा तीर में बदल जाए, जिसे रीसाइज आइकन कहते हैं। माउस के बाएं बटन से क्लिक करें और बाएं बटन को दबाते रखते हुए विंडो को खींचें। कंप्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं। सीधे लॉन्चर के डैश के जरिए जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो उसका पता लगाकर उस तक पहुंचना। आम तौर पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले फोल्डर और हाल ही में इस्तेमाल शुदा फाइलों में फाइल और फोल्डर टूल का इस्तेमाल करना। गो मेन्यू आमतौर से इस्तेमाल में आने वाली फोल्डर की फहरिस्त होती है। गो में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे ऊपर ले जाएं और गो को चुनें। तब उस मेन्यू में कंप्यूटर पर क्लिक करके अपनी फाइलों को ब्राउज करें। अगर आप होम नेटवर्क करते हैं तो आपको साझा की गई फाइल और फोल्डरों के लिए मेन्यू एक्सेस मिल जाएगा। होम फोल्डर का इस्तेमाल इन्फरादी फाइलों को जमा करने के लिए किया जाता है। ये इस्तेमालकर्ता के लॉगिन नाम से मिल जाता है। इसमें सारे वो फोल्डर होते हैं जो तंसीब के दौरान अपने आप बन जाते हैं। इसमें डेस्कटॉप, दस्तावेज, डाउनलोड, मौसीकी, दस्तावेज, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स और वीडियोस शामिल हैं। नॉटिलस फाइल मैनेजर। जैसे विंडो के पास फाइल और फोल्डर को तलाश करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर होता है, उसी तरह अबंटू फाइल और फोल्डर को तलाश करने के लिए डिफॉल्ट शक्ल में नॉटिलस फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करता है। दीदी, नॉटिलस फाइल मैनेजर कहाँ है? बस डेस्कटॉप पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो, नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो खुल जाएगी। डिफॉल्ट विंडो में जेली खसूसियात होती हैं। मेन्यू बार, टाइटल बार, टूल बार, बायां पैन और दायां पैन नॉटिलस नेविगेट करने के जेली अद्वार हैं। फोल्डर के दरमियान नेविगेट करने के लिए नॉटिलस फाइल मैनेजर के बाएं पैन में बुकमार्क्स का इस्तेमाल करो। वापस जाने के लिए पाथ बार में फोल्डर के नाम पर क्लिक करें। एक नजर आने वाले फोल्डर पर डबल क्लिक उसे नेविगेट करने में मदद करेगा। नॉटिलस के साथ फाइल को खोलने के लिए उसके आइकन पर डबल क्लिक करके या आइकन पर दाएं क्लिक करें और ओपन विथ के मुतबादिल में एक का इंतखाब करें। नॉटिलस में एक नया फोल्डर बनाने व सेव करने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें और फिर क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करें।
उसके बाद बनने वाले डिफॉल्ट फोल्डर का नाम अनटाइटल्ड फोल्डर को अपनी मर्जी के मुताबिक नया नाम दें। ये नॉटिलस में महफूज हो जाएगा। फाइल या फोल्डर को कॉपी करने या कॉपी बनाने के अफाल हैं। पहले एडिट पर क्लिक करें, फिर आइटम पर क्लिक करें या राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू से कॉपी का इंतखाब करें। अब आप कॉपी की गई फाइल को पसंदीदा मकाम पर सेव करें। कई नॉटिलस विंडोज का प्रयोग करना। आप जेल तरह से कई नॉटिलस विंडो भी खोल सकते हैं। पहले फाइल का इंतखाब करें, तब नई विंडो पर क्लिक करें। ये नई विंडो खोलेगा और आपको फाइलों या फोल्डर को दो मकामात से ड्रैग करने की इजाजत देगा। नया टैब खोलने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें, फिर न्यू टैब। फाइल के ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मकाम के ऊपर दो टैब वाली एक लाइन खुलेगी। दूसरा पैन खोलने के लिए व्यू पर क्लिक करें, फिर एक्स्ट्रा पैन पर। ये आपको टैब या विंडो के दरमियान स्विच के बगैर ही दो मकामात पर एक साथ देखने की सहूलत देता है। कंप्यूटर पर फाइल खोलना या फोल्डर तलाश करना। पहले नॉटिलस में गो सर्च फॉर फाइल पर क्लिक करें या कंट्रोल के साथ F दबाएं, फिर जो तलाश करना चाहते हों उसे टाइप करें। डैश में सबसे ऊपर सर्च बार में आप सिर्फ तलाश टर्म टाइप करें। अबंटू में लेब्रे ऑफिस सबसे मकबूल सूट है, जो कि डाइट शक्ल में होता है। ये भी वैसा ही तरीकेकार मुहैया कराता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सिर्फ इसके कि ये एक आजाद सॉफ्टवेयर है। इन सभी एप्लीकेशंस तक लॉन्चर के जरिए पहुंचा जा सकता है। इसमें जीली अज्जा शामिल हैं, जो कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्तलिफ नामों से पाए जाते हैं। राइटर, वर्ड प्रोसेसर, कैल्क, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन मैनेजर, ड्रॉ, ड्राइंग प्रोग्राम, बेस, डेटाबेस, मैथ, इक्वेशन एडिटर। क्या आजाद सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना मजेदार नहीं था? चलो अब हम लोग एक और मजेदार कारकर्दगी में हिस्सा लेंगे। दीदी, क्या मोबाइल फोन और टैबलेट भी कंप्यूटर की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं? हाँ रोहन, आजकल मोबाइल फोन और टैबलेट भी पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबियां रखते हैं, साथ ही दूसरी खूबियां जैसे टच स्क्रीन, सेल्यूलर, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस मोबाइल, नेविगेशन, कैमरा, वीडियो कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन यानी आवाज की पहचान, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर और दूसरी खसूसियात। ज्यादातर मोबाइल फोन में एंड्रॉइड, विंडोज या सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, मैं मोबाइल फोन के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि एक मोबाइल फोन में मुख्तलिफ सहूलियात का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले ये सीखते हैं कि मोबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं। कॉल करने के लिए कीपैड पर फोन नंबर टाइप करें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो होम स्क्रीन पर फोन पर आइकन पर जाएं और उस पर टाइप करें। आप स्क्रीन पर नंबर पैड देखेंगे, जिस नंबर पर आप बार करना चाहते हैं उसे टाइप करें। उसके बाद बाईं तरफ हरा बटन या आंसर की दबाएं। स्मार्टफोन होने पर हरे बटन पर टैप दें। स्क्रीन पर दिखेगा कि नंबर डायल हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है। कॉल खत्म करने के लिए लाल बटन दबाएं या लाल बटन पर टैप दें। अब हम सीखते हैं कि कॉल का जवाब कैसे दें या कैंसिल कैसे करें। कॉल करने के लिए बाईं तरफ हरा बटन या आंसर की दबाएं।
स्मार्टफोन होने पर हरे बटन पर टैप दें, स्क्रीन पर नजर आएगा कि नंबर डायल हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है। कॉल खत्म करने के लिए लाल बटन दबाएं या लाल बटन पर टैप दें। स्मार्टफोन होने पर बाएं से दाएं स्वाइप करें। हम पिछले मिलाए गए नंबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है। पहले होम स्क्रीन पर बाएं तरफ के हरे बटन पर दबाएं। ये सभी डायल किए गए, हासिल किए गए और मिस्ड नंबरों की फहरिस्त दिखाएगा। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें। ये सभी डायल किए गए, हासिल किए गए और मिस्ड नंबरों की फहरिस्त दिखाएगा। उसके बाद नंबर का इंतखाब करें और हरा बटन दबाएं। स्मार्टफोन में टैप दें, आपका नंबर डायल होना शुरू हो जाएगा। आप कॉल हिस्ट्री इस तरह देख सकते हैं। पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें। तब कॉल रजिस्टर, कॉल हिस्ट्री, कॉल लॉक का इंतखाब करें। इसके बाद ये रिसीव्ड कॉल, डायल्ड कॉल और मिस्ड कॉल के तीन टैब दिखाएगा। जिस टैब को आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। ये आपको कॉल की फहरिस्त, वक्त और तारीख के साथ दिखाएगा। स्मार्टफोन होने पर सभी कॉल एक ही फहरिस्त में दिखेंगी। हरा तीर का निशान डायल की गई कॉलें, नीला तीर प्राप्त कॉलें, काला या लाल तीर मिस्ड कॉल को जाहिर करता है। आप नंबर पर फोन कर सकते हैं, नंबर को कॉन्टैक्ट बुक में महफूज कर सकते हैं या उस पर पैगाम भेज सकते हैं। फोन में आवाज कम करने के लिए ज़ेली अफ़ाल अपनाएं। सबसे पहले फोन की मेन स्क्रीन में मेन्यू बटन दबाएं, फिर ऑप्शन मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग मेन्यू में साउंड या ऑडियो का मुतबादिल चुनें। उसके बाद साउंड मेन्यू में वॉल्यूम तलाश करें। रिंगर या रिंगर टोन में वॉल्यूम कंट्रोल पाए जाते हैं। आखिर में स्पीकर ऑप्शन को चुनें और कीपैड को ऊपर नीचे कर आवाज के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके स्मार्टफोन में आवाज कंट्रोल करने वाले बटन बाहर होते हैं, जिन्हें इधर उधर दबाकर आवाज की शिद्दत को काबू किया जा सकता है। मैं अपने दोस्त अमित का फोन नंबर और नाम शामिल करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप नया नाम ऐसे जोड़ सकते हैं। जब फोन स्टैंड बाय मोड में हो तो मेन्यू दबाएं। स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें। तब मेन्यू ऑप्शन में अपने फोन की फोन बुक में जाएं। ये होम स्क्रीन पर फोन की एक तस्वीर या लव्स फोन, फोन बुक या कॉन्टैक्ट से दिखाई गई होगी। अब दस्तयाब मुतबादिलों में न्यू कॉन्टैक्ट का इंतखाब करें। पहले जिस नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं उसका नंबर, एरिया कोड स्क्रीन पर नजर आने वाले फॉर्म में भरें। स्मार्टफोन में नंबर पैड पर नंबर टाइप करें। ऐड टू कॉन्टैक्ट्स पर टैप दें और तब क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पर। तब फारम में माकूल मकाम पर अपने दोस्त का पहला और आखिरी नाम लिखें। तब उसे महफूज करने के लिए सेव या ऐड टू कॉन्टैक्ट दबाएं या टैप दें। अब नया नंबर आपके मोबाइल में जुड़ जाएगा। फोन में पहले से ही महफूज नंबरों की तफसील में एडिट करने के लिए नाम का इंतखाब करें। एडिट का इंतखाब करें, टैप दें, सही तफसील टाइप करें और फिर सेव का इंतखाब करें या टैप करें। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि मैसेज कैसे भेजते हैं। पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब पहले मैसेज, फिर रिटर्न मैसेज, फिर मैसेज लिखने का इंतखाब करें। एक स्मार्टफोन में होम स्क्रीन पर मैसेजिंग आइकन तलाश करें, उस पर टैप दें। आप देखेंगे कि पैगामात की पूरी फहरिस्त खुलेगी। मैसेज आइकन का इंतखाब करें। स्मार्टफोन में राइट मैसेज आइकन पर टैप दें, फिर
टेक्स्ट बॉक्स में पैगाम लिखें। तस्वीर या कुछ और जोड़ने के लिए ऑप्शन का इंतखाब करें, फिर इंसर्ट ऑब्जेक्ट दबाएं। स्क्रॉल करके नीचे पसंदीदा तस्वीर या ऑब्जेक्ट को दबाएं, फिर व्यू इंसर्ट करें। तय मकाम पर हासिल करने वाले का नंबर लिखें, या अगर आप सेव किए हुए किसी नंबर को मैसेज भेजना चाहते हैं तो फोन बुक पर क्लिक करें, नंबर का इंतखाब कर ओके पर क्लिक करें। स्मार्टफोन में हासिल करदा के नाम के कुछ अल्फाज टू कॉलम में लिखें। आप देखेंगे कि कॉन्टेक्ट बुक से नामों की फहरिस्त जाहिर होगी, जिसे आप चाहें उस नाम पर टैप दें। मैसेज भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करें। पाने वाले को मैसेज भेज दिया जाएगा। खास फहरिस्त पर वापस जाने के लिए एंड या कैंसिल पर क्लिक करें। आप अपना मैसेज ऐसे पढ़ सकते हैं। जब आपको मैसेज हासिल होता है तो आप होम स्क्रीन में सबसे ऊपर लिफाफे का निशान देखेंगे। स्क्रीन पर आप एक बॉक्स में एक मैसेज रिसीव लिखा हुआ देखेंगे। नए मैसेज को देखने के लिए शो दीदी क्या हम मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल रोहन, तुम कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छा है दीदी। मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए? मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए होगा एक मोबाइल फोन जो इंटरनेट एक्सेस या इस्तेमाल को सपोर्ट करता हो, एक मोबाइल फोन खिदमत जो डाटा ट्रांसमिशन का सपोर्ट करती हो, जैसे 2G, 3G और वाईफाई। फोन के जरिए इंटरनेट तक पहुंचने के लिए डाटा सेटिंग्स के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता। बहुत सारे मोबाइल फोन डाटा अकाउंट सेटिंग के साथ ही आते हैं। अगर आपके पास ऐसा फोन नहीं है तो आपको खिदमत फराहम करदा के कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए। आप अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस इस तरह शुरू कर सकते हैं। पहले अपने स्मार्टफोन के सेटिंग मेन्यू पर जाएं। स्मार्टफोन में ये ऐप मेन्यू के सेटिंग आइकन के जरिए या कभी कभी नोटिफिकेशन बार के जरिए किया जा सकता है। सेटिंग मेन्यू में आपको वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग तलाश करनी होगी। ज्यादातर डिवाइसेस में मोर या मोर सेटिंग्स बटन जो भी दस्तयाब हो उस पर क्लिक करें। जब वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग हो तो आप इंटरनेट वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के जरिए जोड़ सकते हैं। वाईफाई से जुड़ने के लिए ज़ेली इक़दामात करें। पहले सेटिंग ऑप्शन या नोटिफिकेशन मेन्यू में वाईफाई बटन को क्लिक करके वाईफाई ऑप्शन को शुरू करें। तब आपको दस्तयाब इंटरनेट नेटवर्क की फहरिस्त नजर आएगी। अगर आपने वाईफाई नेटवर्क पहले से ही सेव कर रखा है तो ये ऑटोमेटिक ही जुड़ जाएगा, वरना आपको वाईफाई नेटवर्क जिसे आप जोड़ना चाहते हैं चुनना होगा। पासवर्ड की जरूरत हो तो उसे इंटर करें और कनेक्ट पर क्लिक करें। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करें। इंटरनेट के लिए मोबाइल नेटवर्क जोड़ना। पहले वायरलेस और नेटवर्क ऑप्शन में मोर सेटिंग ऑप्शन पर जाएं, तब मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें। वहां आपको मोबाइल डाटा चेकबॉक्स को चेक करना होगा। अब इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करें। कीपैड पर मबनी फोन में भी हर कोई बड़ी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। पहले मेन्यू में जाएं, फिर इंटरनेट का इंतखाब करें, तब या तो होम पेज का इंतखाब करें, वरना होम स्क्रीन में सिफर को कुछ देर के लिए दबा कर रखें। उसके बाद वेब एड्रेस एंटर करें, तब एड्रेस एंटर करें और ओके का इंतखाब करें। वेब तलाश करने के लिए अगर आप पहली बार सर्च कर रहे हों तो सर्च का इंतखाब करें और तलाश किए जाने वाले मौजू को दर्ज करें और
सर्च का इंतखाब करें। मेरे मोबाइल में रेडियो है, मैं उसे कैसे सुन सकता हूँ? रेडियो सुनने के लिए पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब मीडिया और फिर रेडियो पर जाएं। स्मार्टफोन होने पर मेन्यू में रेडियो आइकन पर टैप करें, फिर फोन को हम आहंग हेडसेट से जोड़ें। ये एक एंटीने की तरह काम करता है। उसके बाद ऑटोमेटिक या मैनुअल ट्यूनिंग ऑप्शन का इंतखाब करके जो रेडियो चैनल आप सुनना चाहते हैं उसका इंतखाब करें। चैनल सेव का ऑप्शन चुनकर चैनल सेव करें। तब ऊपर नीचे स्क्रॉल करके वॉल्यूम सेट करें। रेडियो बंद करने के लिए ऑप्शन और फिर स्विच ऑफ का इंतखाब करें। कुल मुझे ये भी बताने दें कि मोबाइल फोन पर गीत कैसे लगाते हैं। पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब फोन में दस्तयाब एप्लीकेशन को देखने के लिए मल्टीमीडिया मेन्यू खोलें। म्यूजिक एप्लीकेशन मीडिया या गैलरी की शक्ल में दिखाया गया हो सकता है, तब म्यूजिक या साउंड का इंतखाब करें। अपने मीडिया प्लेयर पर दस्तयाब नगमे ब्राउज करें और उनमें से अपनी डिवाइस पर बजाने के लिए एक का इंतखाब कर बजाएं। बजाना रोकने के लिए या उसे दोबारा बजने देने के लिए प्ले या पॉज की को दबाएं। एक ही बटन प्ले और पॉज का काम करता है। म्यूजिक प्लेयर से निकलने के लिए बाईं तरफ से लाल बटन को दबाएं। स्मार्टफोन में पॉज बटन दबाएं। अब यहाँ कुछ तरीके हैं कि मोबाइल फोन से तस्वीर कैसे लें। पहले स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, मीडिया चुनें और फिर कैमरा चुनें। स्मार्टफोन होने पर कैमरा आइकन तलाश कर उसे दबाएं। तब डिस्प्ले स्क्रीन को व्यू फाइंडर की तरह इस्तेमाल करें। ऊपर नीचे खिसकाकर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्मार्टफोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैलाकर डिस्प्ले का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तस्वीर लेने के लिए सिलेक्ट या यस बटन का इंतखाब करें। स्मार्टफोन में कैमरा आइकन तलाश कर उस पर टैप कर तस्वीर क्लिक करें। सेव बटन को दबाकर तस्वीर सेव करें। स्मार्टफोन में एल्बम या गैलरी में खुद ही सेव हो जाती है। वीडियो कैसे रिकॉर्ड करें? मेन्यू में जाकर फोटो और फिर वीडियो कैमरा का इंतखाब करें। स्मार्टफोन होने पर कैमरा आइकन दबाएं, तब स्क्रीन के नमूदार होने पर व्यू फाइंडर की तरह इस्तेमाल करें। जूम इन और जूम आउट करने के लिए ऊपर नीचे स्क्रॉल करें। स्मार्टफोन में अपनी उंगलियों की चुटकी को फैलाकर या सिकोड़कर स्क्रीन के एरिया का साइज बदल सकते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए रिकॉर्ड का इंतखाब करें। स्मार्टफोन में होने पर स्क्रीन पर मौजूद छोटे लाल आइकन को दबाएं। रिकॉर्डिंग रोकने के लिए स्टॉप का बटन दबाएं। स्मार्टफोन में होने पर लाल आइकन पर फिर से टैप दें। सेव बटन को दबाकर तस्वीर को सेव करें। स्मार्टफोन में तस्वीर एल्बम या गैलरी में खुद ब खुद ही सेव हो जाती है। मोबाइल फोन और स्मार्टफोन जल्द हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? कैलकुलेटर की मदद के जरिए। पहला, स्टैंड बाय मोड में मेन्यू दबाएं, तब ऑर्गेनाइजर और फिर कैलकुलेटर का इंतखाब करें। स्मार्टफोन होने पर मेन्यू में कैलकुलेटर आइकन को तलाश करें और उस पर टैप करें। फोन के नंबर पैड का इस्तेमाल कर नंबर लिखें। फिर जोड़ने, घटाने, ज़रब करने या तकसीम फंक्शन का इंतखाब करें। फिर दूसरा नंबर लिखें। जवाब जानने के लिए इक्वल का निशान दबाएं। शुक्रिया दीदी, आपकी वजह से मुझे मोबाइल फोन के बारे में इतनी मालूमात हासिल हुई। मुझे टैबलेट में भी दिलचस्पी है, क्या आप उनके बारे में जानती हैं?
हाँ रोहन, बिल्कुल। चलो हम टैबलेट के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। टैबलेट कंप्यूटर की छोटी, हल्की और ज्यादा मुनज्जम शक्ल है। ये बगैर तार के और पोर्टेबल है, यानी इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इनमें इत्तिलात तक पहुंचने के लिए या प्रोसेस करने के लिए टच यानी छूकर कमांड दी जा सकती है। टैबलेट में वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI दस्तयाब कराते और एप्लीकेशन को चलाते हैं। टैबलेट के मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं एंड्रॉइड, विंडोज और iOS। टैबलेट खास तौर से दो हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं, फोन सहूलत के साथ और बगैर फोन सहूलत के। टैबलेट जो कॉल सहूलत के साथ होता है उसमें सिम कार्ड के लिए जगह होती है। आपको कॉल करने के लिए, हासिल करने के लिए और मैसेज भेजने और हासिल करने के लिए एक सिम कार्ड और किसी मोबाइल नेटवर्क के कनेक्शन की जरूरत होगी। टैबलेट जिनमें कॉल सहूलत नहीं होती उसमें सिम कार्ड के लिए स्लॉट नहीं होता, लेकिन उनमें दूसरी सभी खसूसियात होती हैं। तब भी आप इंटरनेट के इस्तेमाल से कॉल कर सकते हैं। चलो अब हम टैबलेट की कुछ खसूसियात के बारे में जानते हैं। ज्यादातर टैबलेट ज़ेली खसूसियात के लिए इस्तेमाल होते हैं, कॉल करने के लिए, कॉल हासिल करने के लिए, मैसेज भेजने और हासिल करने के लिए, नगमे सुनने के लिए, तस्वीर लेने और वीडियो बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, ई किताब पढ़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, ईमेल भेजने और हासिल करने के लिए, मौसिकी, तस्वीर और वीडियो दूसरों से साझा करने के लिए। ज़ेली तरीके से टैबलेट पर मौसिकी सुनी जा सकती है। एप्लीकेशन मेन्यू पर जाएं, तब म्यूजिक पर टैप कर दें और बैकग्राउंड म्यूजिक को इंटरफेस करें। अब आपको म्यूजिक फाइल की फेरिस्त को हाल ही में एल्बम, ग्लूकार, नगमे, प्लेलिस्ट में माकूल मुतबादिल का इंतखाब करके खाना आराजी कर सकते हैं। फिर नगमों को एक सेकंड के लिए दबाएं, जिससे ऑप्शन मेन्यू जाहिर होगा। उसके बाद आप प्ले, एड टू प्लेलिस्ट, शॉप फॉर आर्टिस्ट, डिलीट और सर्च का इंतखाब कर सकते हैं। तब प्ले पर टैप कर दें और प्लेबैक इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए नगमों पर टैप दें। ज़ेली तरीके से टैबलेट में तस्वीर ली जा सकती है। एप्लीकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टैप दें, कैमरा इंटरफेस को एंटर करें। तब फोटो मोड को चुनने के बाद पसंदीदा फोटो मोड पर टैप दें। कैमरे को सब्जेक्ट पर मरकूज करें। ऑटो फोकस को शुरू करने के लिए स्क्रीन पर किसी मकाम को छुएं और दबाए रखें। तस्वीर लेने के लिए उंगली उठाएं। टैबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एप्लीकेशन मेन्यू पर जाएं, कैमरा आइकन पर टैप दें और कैमरा इंटरफेस को एंटर करें। तब वीडियो मोड चुनने के लिए फोटो मोड में पसंद किए गए आइकन पर टैप दें। अब कैमरे को सब्जेक्ट की तरफ मोड़ दें। टैप देकर रिकॉर्डिंग शुरू करें। बंद करने के लिए टैप दें। तस्वीर या रिकॉर्ड किए गए वीडियो को मिटाने के इक़दामात। जिस तस्वीर या वीडियो को आप मिटाना चाहते हैं उसे तलाश करें। ट्रैश आइकन देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। फोटो या वीडियो को मिटाने के लिए इस पर टैप दें। आप फोटो और वीडियो इस तरह देख सकते हैं। पहले एल्बम तलाश कर उस पर टैप दें, फिर जिस फोटो या वीडियो को देखना चाहते हैं उस पर टैप दें। आगे के फोटो देखने के लिए बाईं तरफ और पीछे के फोटो के लिए दाईं तरफ फ्लिक करें। वीडियो देखने के लिए ज़ेली इक़दामात करें। मेन्यू से पिक्चर या एल्बम को खोलें। अब
ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू का इस्तेमाल कर जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसे खोलें। अगर प्लेबैक नहीं चल रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। वीडियो रोकने के लिए ज़ेली इक़दामात करें। जब वीडियो चल रहा हो तो प्लेबैक कंट्रोल देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। उसके बाद वीडियो को रोकने या चलाने के लिए पॉज या रीस्टार्ट पर टैप दें। वीडियो पीछे करने या तेजी से आगे बढ़ाने के इक़दामात हैं। जब वीडियो चलने के दौरान प्लेबैक कंट्रोल देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। उसके बाद वीडियो को तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रोग्रेस बार मार्कर को दाईं तरफ और पीछे ले जाने के लिए बाईं तरफ खींचें। टैबलेट में ई बुक पढ़ने के लिए पहले टैबलेट में तंसीब किए हुए डिफॉल्ट बुक रीडर पर जाएं, फिर बुक रीडर आइकन पर टैप दें। उसके बाद पहले से तंसीब की हुई किताबों में से जो किताब पढ़नी है उसका इंतखाब करें। फिर किताब पढ़ना शुरू करने के लिए बुक्स मैंने सुना है कि आप टैबलेट से ईमेल भेज या हासिल कर सकते हैं। हाँ रोहन, टैबलेट पर तंसीब की हुई मखसूस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके तकरीबन सभी पॉपअप या IMAP ईमेल पतों का इस्तेमाल करके ईमेल भेजने या हासिल करने के लिए कर सकते हैं। चलिए हम आपको टैबलेट में ईमेल लिखने के तरीकों के बारे में बताते हैं। मेन्यू में इंटरनेट ब्राउजर आइकन पर क्लिक करें, फिर ईमेल आइकन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसके ऊपर एक उकी बार होगा। जिस ईमेल सर्विस देने वाले का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका URL एंटर करें। मिसाल के लिए www.gmail.com। अब दिए गए मकाम पर यूजर नेम और पासवर्ड डालें और साइन इन टैप करें। यहाँ इस सफ़े पर कंपोज या राइट न्यू पर टैप दें। नई विंडो में टू की जगह पर भेजे जाने वाले का ईमेल आईडी डालें। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट एंटर करें। बीच की खाली जगह पर मैसेज लिखें। उसके बाद सेंड आइकन पर टैप दें। मौसूल ईमेल को पढ़ने के लिए पहले जब आपको कोई ईमेल मौसूल होगी तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक लिफाफा जाहिर होगा। आइकन को देखने के लिए स्क्रीन को नीचे खिसकाएं, फिर मेन्यू में ईमेल भेजने वाले के आइकन पर जाएं। अब आइकन पर टैप दें। स्क्रीन पर आपका मेल इनबॉक्स खुल जाएगा। ईमेल पर टैप दें और उसे पढ़ें। हम किस फाइल को टैबलेट पर कैसे तलाश कर सकते हैं? टैबलेट में फाइल या फोल्डर तलाश करने के दो तरीके हैं। आप या तो टैबलेट पर मौजूद फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करें या ऑनलाइन सर्च इंजन का जो होम स्क्रीन पर है। फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करके होम स्क्रीन पर फाइल मैनेजर या फाइल ब्राउजर ऐप तलाश करें। उस पर टैप दें। ये सबसे ऊपर माई फाइल दिखाएगा। फहरिस्त से अपनी फाइल या फोल्डर को तलाश करें। उसे खोलने के लिए उस पर टैप दें। सर्च इंजन का इस्तेमाल करके होम स्क्रीन पर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह नजर आने वाले सर्च आइकन को तलाश करें। उस पर टैप दें जिससे एक नई विंडो जाहिर होगी। आप देखेंगे कि उस पर एक उफ़की टैप में सर्च लिखा होगा। उसमें जो इत्तला आप तलाश करना चाहते हैं उसके कीवर्ड्स लिखें। ऑनलाइन सर्च का नतीजा स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको खोलने के लिए जरूरी बटन दबाएं। हम टैबलेट से पैगाम यानी मैसेज कैसे भेज सकते हैं? टैबलेट से मैसेज भेजने के लिए ज़ेरी इक़दामात करें। होम स्क्रीन पर मैसेज आइकन तलाश करें या मेन्यू पर टैप दें। सभी एप्लीकेशंस में मैसेज आइकन तलाश करें।
मैसेज पर टैप करने पर आप मौसूल पैगामात की फहरिस्त देखेंगे। राइट न्यू तलाश करें जो कि स्क्रीन पर एक लिफाफे के साथ जमा या पेंसिल के साथ जमा के निशान के जरिए जाहिर तलाश किया जाता है। उस पर टैप दें। टू कॉलम में पाने वाले के नाम के कुछ हरूफ लिखें। आप कॉन्टेक्ट बुक के कुछ नामों की फहरिस्त देखेंगे। किसी नाम पर टैप करें, वो नाम टू कॉलम में छप जाएगा। राइट मैसेज पर टैप दें और अपना मैसेज लिखना शुरू करें। मुतालिका आइकन पर टैप दें, आप फाइल, दस्तावेज, फोटो या म्यूजिक फाइल के साथ जोड़ सकते हैं। सेंड पर टैप दें, आपका मैसेज भेज दिया जाएगा। इस तरह आप मौसूल पैगाम पढ़ सकते हैं। जब आपको मैसेज मौसूल होगा तो स्क्रीन पर आपको मैसेज आइकन नजर आएगा या होम स्क्रीन के मैसेज पर एक नंबर लिखा पाएंगे जो कि मौसूल नए पैगामात की तादाद दिखा रहा होगा। उस पर टैप दें, ये मैसेज विंडो खोलेगा जिसमें मौसूल पैगामात की फहरिस्त होगी। जो मैसेज आप पढ़ना चाहते हैं उस पर टैप दें। हम टैबलेट के जरिए इंटरनेट कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल मोबाइल की ही तरह टैबलेट के जरिए इंटरनेट दो तरह से चला सकते हैं। पहला, वाईफाई से जोड़कर। टैबलेट वाईफाई ज़ेली तरह से जोड़ा जाता है। पहला, आप अपने टैबलेट की सेटिंग मेन्यू में जाएं। वाईफाई के साथ हम आहंगी तस्वीर में दी गई है, आपको दस्तयाब इंटरनेट नेटवर्क की फहरिस्त नजर आएगी। आपको वाईफाई नेटवर्क का इंतखाब करना होगा जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। अगर पासवर्ड की जरूरत हो तो पासवर्ड डालें और कनेक्ट पर क्लिक करें। इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल कर इंटरनेट चलाएं। आप टैबलेट को मोबाइल नेटवर्क के जरिए भी इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। इसका तरीका ये है। पहले ये तय करें कि आपके टैबलेट में मोबाइल नेटवर्क वाला सिम कार्ड है, तब टैबलेट के जरिए इंटरनेट से जोड़ें। आप नोटिफिकेशन बार को नीचे खींच सकते हैं और मोबाइल डाटा का इंतखाब कर सकते हैं। या आप वायरलेस नेटवर्क में मोर सेटिंग में जा सकते हैं। तब मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करें जहां आपको मोबाइल डाटा चेकबॉक्स को चेक करना होगा। एक बार क्लिक किए जाने के बाद आपका टैबलेट मोबाइल नेटवर्क मौसूल करना शुरू कर देगा। दीदी, आपने कहा था कि कुछ टैबलेट फोन की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं? जब आपका टैबलेट बंद हो तो आपको उसके सिम कार्ड स्लॉट में वैलिड GSM सिम कार्ड डालना होगा। चलो हम देखते हैं कि टैबलेट से फोन कॉल कैसे कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर रिसीवर आइकन पर टैप दें। आप जो फोन करना चाहते हैं उस नंबरों को दबाएं। रिसीवर आइकन पर टैप दें। उसके बाद जब वो जुड़ जाएगा तो आप बात कर सकते हैं। अगर आप फोन बुक या कॉन्टेक्ट फहरिस्त से किसी को फोन करना चाहते हैं तो ज़ेली इक़दामात करें। पहले अपने टैबलेट की फोन बुक या कॉन्टेक्ट फहरिस्त में जाएं, फिर उस नाम को तलाशें जिससे आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद जिससे राब्ता करना है उसके नाम पर टैप दें, फिर जिससे राब्ता करना है उसके नंबर पर टैप करें, फिर राब्ता होने पर बात करें। चलो मैं तुम्हें टैबलेट की दूसरी खसूसियात के बारे में बताती हूँ। सच में रोहन, टैबलेट में कई जुबानें शामिल होती हैं। आप टैबलेट को जिस जुबान में चलाना चाहते हैं उस जुबान का इंतखाब कर सकते हैं। चलो अब हम टैबलेट में जबान सेट करना सीखें। पहले एप्लीकेशन मेन्यू में सेटिंग पर टैप दें और फहरिस्त में से लैंग्वेज एंड इनपुट का इंतखाब करें। फिर जबान पर टैप दें और आप जबानों की फहरिस्त देखेंगे। उसके बाद पसंदीदा जबान पर टैप दें और वो जबान फौरन ही सेट हो जाएगी। यहीं पर आप कीबोर्ड की भी वो जबान
सेट कर सकते हैं जिसे आप इनपुट करते वक्त स्क्रीन पर देखना चाहते हों। तारीख और वक्त सेट करने के लिए ज़ेली इक़दामात करें। एप्लीकेशन मेन्यू में सेटिंग पर टैप दें और फहरिस्त में से तारीख और वक्त का इंतखाब करें। ऑटोमेटिक को चुनें जिससे तारीख और वक्त खुद ही नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए सेट हो जाएगा, या ऑटोमेटिक को खारिज करके अपने मुताबिक सेट करें। दीदी, आप मुझे टैबलेट में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना सिखा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। एप्लीकेशन या ऐप टैबलेट की खसूसियात होती हैं, जो आपकी खिदमात हासिल करना और आसान बना देती हैं। टैबलेट में नए एप्लीकेशनों को पाने के तरीके। पहले टैबलेट के मेन्यू में जाएं और फिर मेन्यू में प्ले स्टोर पर टैब दें। अगर मुफ्त एप्लीकेशन है तो आप सिर्फ इंस्टॉल बटन पर टैप करें और आपका टैबलेट खुद ही एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेगा। अगर ऐप की कीमत है तो आप एक बाय बटन पर क्लिक करें तो एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा जिसमें ये सवाल होगा कि क्या आप ऐप खरीदना चाहते हैं। ओके का मुतबादिल चुनकर जिसकी तस्दीक की जाने पर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मालूमात भरनी होगी। फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए स्क्रीन पर आने वाली हिदायत पर अमल करें। अब बस अभी के लिए इतना ही। रोहन, क्या मोबाइल फोन और टैबलेट के बारे में जानना मजेदार रहा? हाँ बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मोबाइल फोन और टैबलेट के बारे में बहुत जान गया हूँ। अरे कोई बात नहीं, अब हम लोग मजेदार कारकर्दगी में हिस्सा लेंगे।